नहीं जी, 7,500 रुपये भैया अंदर तो रख के जाओ, थोड़ी होता है। पागल हो गई मैं, इसी को रख लेना, बाद में ये देखेगा आपको नीचे वाले कमरे फेंक देंगे। लाडला हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए डुगू ये बैठा है यहाँ पर अपने मालिक के पास में, ये ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और ये ऐसे ही रहता है जब तक ये नहीं जाते, साथ साथ ही घूमता है। डुगू नींद आ रही है, तुझे ठंड लग गई फिर से जैकेट पहन, जैकेट की बना दी से उठा के लाया था मैंने। कैसे बैठा रहता है सारा दिन आपके पास, ये ऐसे कुछ और काम ही नहीं है, बताओ। बेटा है, बेटा तो ऊपर बैठा है आपका, वो तो नालायक है। हाँ वो नालायक है, वही लाठी बनेगा, ये बनेगा लाठी आपकी, वही तू बनेगा लाठी। देखो अभी हाथ लगा के देखो, लगा दूँ मारू। डुगू बचा, छोड़ को बचा, छोड़ को बचा, मारो डुगू बचा, मारो डुगू बचा, आगे बचाने, आगे बचाने, आगे बचाने। हाँ मार रही हूँ मम्मी, मार रही हूँ ना। अच्छा बहुत तेरे है बड़ा लाडला। चल भाई चाय बना के लाओ। हाँ देख लिया, इसी को रख लेना, बाद में ये देखेगा आपको नीचे वाले कमरे फेंक देंगे। ये क्या ऐसी नाटक कर रही है? हो रही है। हाँ। कितना पढ़ लिया? अरे मेरे ऐसा करना, नीचे बैठ जाए बेटा, मेरे को कपड़े धोने हैं। 4 चैप्टर हो रहे थे। सुन नीचे बैठ के पढ़ाई कर ले, मुझे कपड़े धोने हैं। बनाऊंगी, आई तो हूँ, ऊपर पापा को भेज दू, फिर देखते हैं क्या बनाऊंगी। अभी अरे जाइए उनसे तो निकल जा बेटा, चलो चलो जल्दी जल्दी नहाना है, नहाओ चलो, मैं कपड़े धोने हैं, मैं चाय बना लूँ जरा। और 1:30 बज रहे हैं, लंच बनाना है बच्चों के लिए। छुट्टी थी आज, संडे है इनका, तो बेटी पढ़ रही थी और ये बस ऐसे ही घूमता है, ये पढ़ता नहीं है। बना रही हूँ मैं सेवियाँ, नमकीन जवे, मतलब वो देखते हैं कितने तक आएंगे। तो उनके लिए सब्जी रखी है, कटहल की और बैंगन का भरता फ्रिज में, तो मैं रोटियाँ बना दूँगी उनके लिए, तो हम अपने लिए बस सेवियाँ बना रहे हैं। लंच में आज हम बना रहे हैं सेवियाँ, नमकीन सेवियाँ बनाएंगे, इनको वही खानी है बच्चों को। और वैसे सब्जी रखी हुई थी कटहल की और रात को भरता बनाया था बैंगन का, वो रखा है तो इनको नहीं खाना है, रोटियां बना दूंगी उनके लिए और हम लोग ये खा लेंगे। देखना बेटा पापा आए क्या, फौरन बजा देखो जाके, तो इनके लिए रोटियां बना देंगे और हम सेवियां खा लेंगे। और ये बैठ के पढ़ रही है, इसके एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, बस परसों है इसके एग्ज़ाम। और बस दोपहर के 2 बज रहे हैं, नहीं आए नहीं आए, गेट बंद करो, हवा थोड़ी इतनी मिट्टी आ रही है, चलो। और बाल मैंने आज धोए हैं तो मैं अभी उनको बनाऊंगी बालों को। क्या चीज़ नहीं तो कहाँ पर चिंगम है, किसने फेंकी है खा के, किधर है ये, किसने फेंकी है चिंगम, चिंगम फेंका करो खा खा कैसे करके अंदर, किसने फेंकी है ये। बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही है और पूरा घर सफाई सब खराब हो जाएगी। मैं यहाँ बैठ के मैं टीवी देख रही, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाएगा इसलिए। डुगू 4 बज गए शाम के और मैं शॉप पे आ गई नीचे, क्योंकि शॉप खोलनी थी, अभी वो नहीं आया। और बाहर इतना कूड़ा उड़ रहा है गली के अंदर, इतनी तेज़ हवा है ना, सारी गली में झाड़ू लग रही है अपने आप, और बहुत ज़्यादा जो है कूड़ा यहाँ फैला हुआ है। तो आज मौसम मतलब ठंडा भी था सुबह थोड़ा सा, इसलिए मैंने शॉल और स्वेटर देखो दोनों पहने हुए हैं, ठंड फिर से वापस आगे लगता है, मतलब आज ही आई है, 2-3 दिन से बहुत गर्मी थी बट आज थोड़ी सी जो है ठंड है, और शायद वो आगे बाइक की आवाज़ आ गई है। एंड गुड मॉर्निंग अगेन एंड वेलकम बैक टू अगेन माई ब्लॉग। आज मंडे है, बच्चे स्कूल जाएंगे तो आज बना रहे आलू के परांठे, आलू बनने रख दें हैं, आटा भी बन गया है। और थोड़ा सा बच्चे आज मेरे लेट हो गए, उठे नहीं हैं अभी तक, और मुझे गुस्सा आ रही थी बहुत तेज़, तो मैंने आज जो है सुबह सुबह दोनों को डांट लगा दी अच्छे से, और बहुत तेज़ गुस्सा भी मुझे आ रहा था दोनों के ऊपर ही। काम हो गया, पागल हो गई मैं। तो कभी कभी बच्चे पे बहुत गुस्सा आता है जब तंग करते हैं ना, उठता नहीं है बेटा, हमेशा ऐसे ही करता है। और सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि इनको उठाओ और ये सब, मैंने समझाया कि बड़े हो गए हो अपने आप स्कूल के लिए उठा करो, अब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो बस आलू के पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि वो उठ गया है बेटा और ये रेडी हो गई बेटी भी,
या नीचे से मैंने इनको भी शिकायत लगाई कि ये बहुत तंग करता है, थोड़ा इसको डांटो, इनका थोड़ा सा पेट ख़राब है, मतलब उतनी से तबीयत इनकी ख़राब ही थी, तो ये लस्सी पी रहे हैं अपने पेट को सही करने के लिए। ये देखो अब वो आया है, तो मैंने इससे कहा कि चलो जल्दी हेल्प कराओ और अपना लंच अपने आप वगैरह पैक करो, बड़े हो गए हो, मैं ऐसा भी नहीं करती रहूँगी सारा दिन क्योंकि इसके एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा छूट दे देती हूँ, बट ये अब बड़ी हो गई है तो मैं इसे बोलूँगी कि थोड़ा सा हेल्प कराया करे। तो अब इसे रेडी करना है, ये लेट हो गया इस वजह से, अब रेडी मुझे ही करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो चलो थोड़ा जल्दी करो, टाइम हो गया, राजेश का दिन डांट खाने का, इनसे भी डांट पड़ी सुबह सुबह नीचे। हाँ बेटा क्या लेना है? बोलो। ड्रीम लाइट और बाय। चलो चलो सीट पे, चलो अपनी सीट पे, चलो ऊपर बैठो, यहीं पे बैठो, सीट मारोगी पिटाई, पिटाई खानी है सुबह सुबह, सुबह सुबह भौंकने का स्टार्ट हो जाता है, मार खाऊं, लगाऊं मार, मम्मी मार रही है डुगू। चलो जल्दी रेडी हो, सब लोग जा चुके हैं, मैं अकेली रह गई हूँ, शॉप पे बैठी हूँ, 11:30 हो रहे हैं और 11:15 ही वो निकले हैं, तो आधे घंटे में एक घंटे आज बैठना है, उसके बाद फिर मुझे बेटे को लेने जाना है। तो मेरा दिन जो है पूरा बस बिजी ही समझ लो, यहाँ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, तो बस मेरे पास डुग्गू है और डुग्गू बैठा है, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सीट पे, डुग्गू ये सो रहा है, इसको कोई काम नहीं है, अभी सोएगा, मैंने खाना इसको दे दिया है और आधा घंटा बैठते हैं, तो उसके बाद फिर से लंच बनाएंगे बच्चों को लाने के बाद। तो पूरा दिन कभी कभी ना थकावट भी हो जाती है कि लाइफ कभी कभी लगता है ऐसे कि रुक गई है, तो लेकिन क्या कर सकते हैं, तो रूटीन है, करना पड़ेगा, और नहीं मिलता कि आराम से मतलब बैठ जाओ, बस यहीं पे इस टाइम बैठी होती हूँ तो कुछ मोबाइल चला लेती हूँ या कुछ मतलब जो भी मुझे अपनी एडिटिंग वगैरह करनी होती है वीडियोज़ की वो कर लेती हूँ, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, तभी मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हो पाऊँगी और वीडियोज़ को आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए, कुछ नहीं करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगेंगे ना आपके लाइक करने के, तो कोशिश करती हूँ वीडियो अच्छी बनाने की, पर फिर भी जैसे भी आप एक बार ट्राई कीजिए, देखिए कैसी हैं मेरी वीडियोज़, प्लीज़ तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाइए, आपके एक सपोर्ट से, एक छोटे सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप नहीं समझ सकते कि थोड़ा सा प्रेशर है हमारे ऊपर, और तो शायद सोचा कि कुछ मुझे सपोर्ट हो जाएगी यूट्यूब से तो मैं इनकी सपोर्ट कर पाऊँगी, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए, मैं अपनी भी अपनी पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छी वीडियोस बना कर देने की, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और बाकी अभी ब्लॉग में बने रहिए, अभी देखते हैं पूरा दिन बिजी बिजी और जाने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड विद मी। आ गई हूँ मैं ऊपर, तो मुझे कपड़े याद आया कि कपड़े मैंने धो के सुखाए और मैं भूल भी जाती हूँ क्योंकि माइंड इतना बिजी रहता है ना, फिर मुझे लगा कहीं धूप में कलर ना ख़राब हो जाए, कल से पड़े हुए हैं और सुबह की जो धूप होती है बहुत तेज़ लगती है यहाँ पे, तो मैं ऊपर कपड़े उतारने सबसे पहले, बाकी काम बाद में करूँगी, और काम तो अब क्या हो पाएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, 12:30 हो रहे हैं, तो मुझे 1 बजे निकलना है, तो जितना हो पाएगा उतना करके फिर मैं बच्चों को लेने जाऊँगी स्कूल। क्या फंक्शन हो रहा है स्कूल में, देखूं मैं भी एनुअल डे फंक्शन कहाँ हो रहा है। बैग खुलाओ बेटा, पूरा बैग नहीं दिख रहा आपको, बंद करो इसको, ये क्या तरीका है, ये इसे ऐसे बंद हो गया, ये 7,500 रुपए भैया, अंदर तो रख के जाओ, थोड़ी होता है ठीक, तो गए टिप देंगे, अंदर आओगे तो टिप मिलेगी, बैठ जाए यहीं पे, चल आ रहे हैं अंदर अभी। हाँ घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहना ही लेना, यहीं बैठा रहे ठीक है, बाहर नहीं जाना है बिल्कुल भी, उधर चलाना जाना, फिर स्टॉप रुक जा, हाँ बैठ जा, तेरी बैठ बैठ टिक जा, यस ऐसे, बात क्यों नहीं कर रहे, क्या